अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो सब? उम्मीद है ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो आज व्लॉग में हम शामिल कर रहे हैं, तो बर्थडे पे मेकअप कौन सा करना चाहिए और कौन सी ड्रेस पहनी चाहिए, लेकिन पहले हम अपनी स्किन को थोड़ा सा पॉलिश कर रहे हैं। आप सबसे एक गुजारिश है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जो मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल के बटन को प्रेस कर दे। तो चलते हैं अपनी स्किन रूटीन की तरफ। पहले मैं सॉफ्ट टच वालों की क्लींजिंग लूँगी, वो क्लींजिंग यूज़ करूँगी मेकअप करने से पहले। सारा मेरे साथ है, उसकी वॉइस आएगी। क्लींजिंग भी कैसे करना चाहिए उसके दो चार स्टेप हैं जो मैं आपको बता दूंगी। ये एक दो तीन, ये एक दो तीन, ये एक दो तीन, एक दो तीन, वन टू थ्री। ऐसे करना चाहिए। तो फिर उसके बाद ये लव नेचर का मार्क से स्ट्रॉबेरी वाला, तो वो मैं पहले यूज करूंगी मेकअप करने से पहले। ये ऐसे खुलेगा, अलग तो फ्रेंड उसके बाद ये लव नेचर का मास्क जबरदस्त इसकी इस रिजल्ट है। मेकअप करने से, फेशियल करने से पहले इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। आप जितनी पतली लेयर लगाओगे तो वो जल्दी से ड्राई हो जाएगी, लेकिन मोटी लगाओगे तो वो इतनी जल्दी नहीं होगी। अब मैं 5 मिनट के लिए रोज़ा रखूंगी, बात नहीं करूंगी, नहीं तो रिंकल्स आ जाएंगे। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड मैं मास्क उतार के आ गई, अब स्किन अच्छी है ये देखो। तो अब मेकअप स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं पहले टी शर्ट चेंज कर लूँ। तो फ्रेंड उसके बाद ये सीरम है, ये यूज करूंगी मैं मोती के दाने जितना। स्किन को ग्लो देगा, नेचुरल ग्लो। उसके बाद ये ओरिफ्रेम का लिप बाम है, वो मैं यूज़ करूँगी। ओके फ्रेंड उसके बाद ये प्राइमर है, गर्मियाँ बहुत आ गई है तो प्राइमर ज़रूर यूज़ करें ताकि आपका बेस अच्छी तरह से सेट हो जाए। बाकी जो बच्चा है हाथों पे अपने भले नेक पे लगा ले आप। उसके बाद ये ब्रश यूज करूंगी आई ब्रश पे।
उसके बाद कोई भी आईब्रोज पेंसिल जो आप सेट करते हो, मैं अभी ब्राउन कलर यूज करूंगी। आईब्रोज सेट करने का पहले तरीका यह है, यहाँ से सीधा जाएं और यहाँ से थोड़ा फ्रेंड। उसके बाद ओरिफ्रेम का कंसीलर यूज करूंगी आईज के लिए। पलकों पे लग गया, हेयर सेट कर दूंगी। किसी की स्किन लूज होती है, किसी की टाइट, तो जिनकी स्किन लूज है, मेरी भी खास करके स्किन बहुत नाजुक और लूज होती है, तो उसके लिए स्किन में मतलब स्किन को ज़्यादा मॉइस्चराइजर रखें। किसी की स्किन टाइट होती है, किसी की लूज, तो आप वो मैक्स जिसकी लूज हो तो बहुत ज़्यादा यूज़ करें। मैं तो ऐसे अपनी स्किन को टाइट रखती हूँ, मास्क की वजह से स्किन तो खिंची खिंची होती है, गर्मियों में तो ज़्यादा लूज हो जाती है। तो फ्रेंड मैंने कंसीलर आईज पे अप्लाई कर दिया, अब मेकअप यूज़ करूँगी। फ्रेंड उसके बाद ये आशा प्रीत वालों की मेरे पास भी पैलेट है, तो वो मैं यूज़ करूँगी। इसके कलर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन व्लॉग में कैरी करने में मुश्किल होती है, इतनी बड़ी ले ली मैंने, लेकिन कलर इसके अच्छे हैं। तो पहले शेड लेंगे हम, इसको देख रहे हैं, पहले लेंगे ये वाला मेकअप का कलर, ठीक है फ्रेंड। इनर कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर तक आप अपने आईज पे मेकअप फैला दे तब तक फैला दे जितना अच्छी से सेट हो जाए, ठीक है। इनर कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर तक सेट कर दें। उसके बाद इसमें से ऑरेंज शेड है वो यूज़ करूँगी, आप कैसे दिखाओ ये वाला, ठीक है। व्लॉग में हम दिखा तो थे, तो ये कलर हम यूज़ कर रहे हैं या हमारे पास ये किट है, तो सेम तो हर जगह चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि सिटी अलग। काफ़ी दफ़ा मैं घर से एक चीज़ सोच के जाती हूँ, लेके कुछ आती हूँ, तो इसलिए। लेकिन कलर दिखाने का मकसद ये होता है, तो थोड़ा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये हम अप्लाई किया था इस बार मेकअप में, ये कलर यूज़ किए थे, या इस कलर के साथ कलर कंट्रास्ट कौन सा अच्छा जाएगा इस हिसाब से। तो ये भी तब तक आप सेट करें जब तक आपकी आईज अच्छी तरह से सेट नहीं हो जाती। ये हो गया। आज मैं हाथ थोड़ा हल्का रखूंगी मेकअप पे, एक तो बर्थडे पार्टी है, ऊपर से ये मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी डे में है। ये देखा आपने, थोड़ा सा शिमर कलर लिया है मैंने, क्योंकि मेरे सूट का वाइट कलर है।
मेकअप का लुक कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको। उसके बाद में सेट हुदा की ये क्रीम है, फाउंडेशन, उससे सेट करूँगी अपना मेकअप। ब्लेंडर की मदद से आप इसको सेट कर लें। तो फ्रेंड उसके बाद ये ओरिफ्लेम का मस्कारा यूज करूंगी, बेस मैंने यूज कर लिया है। तो फ्रेंड आज हम लैशेस को स्किप कर देंगे, वो नहीं लगाना। ओरिफ्लेम की हमेशा जो वाइट लाइनर यूज करती हूँ आईज में, वो यूज करूंगी ताकि लुक सिंपल सा और सोबर दिखे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद ब्लेशन। ओरिफ्लेम के ये छोटे से बॉल जो मुझे अच्छे लगते हैं। टन फ्रेंड थोड़ा हाइलाइटर यूज करूंगी, बस थोड़ा सा नोज पे, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड, ये लिप लाइनर यहाँ पे मेरे को पिंपल हुआ है लिप्स पे। फ्रेंड लिपस्टिक भी लाइट रखेंगे बिल्कुल। आईब्रोज मैंने स्किप कर दी, और सॉरी बल्कि लैशेस मैंने स्किप कर दिए, और लाइनर भी। ये लुक सिंपल सा अच्छा है डे के हिसाब से। अब मैंने हेयर स्ट्रेनर रख दिया है गर्म होने, मैं बालों में डालूंगी थोड़े से रोल, थोड़े से बिल्कुल। पहले से मैंने बालों को वॉश नहीं किया था, कल भी थोड़े से कल डाले थे तो इसलिए कल डालेंगे। हेयर स्ट्रेनर गर्म कर दिया है फ्रेंड, एयरिंग मैं ये पहनूंगी। तो मुझे ये एयरिंग ज़्यादा अच्छे लगे स्कर्ट के हिसाब से, मेरे फेवरेट में। वाओ अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरे बालों में हल्के से कलर डाल दिए हैं ताकि लुक मेरा ज़बरदस्त है, मेरा फाइनल लुक ये है। और ब्रेसलेट की ज़रूरत है ना, टन टन, ये व्हाइट कलर का, ये हो गया डन। ओके फ्रेंड, बाकी फुल ड्रेस दिखा रही हूँ, प्लेन बिल्कुल अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसके साथ ये नेकलेस ट्राई करूँगी। मेरे पास दो ऑप्शन है, ये नेकलेस भी पहन सकती हूँ, एक मेरे पास कोटी है वो भी पहनूंगी। मेरे कार खराब हो जाए। ओके बाकी फाइनली लुक आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड आज का मेकअप आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।